सो हे व्हाट्सएप एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी कॉल ड्रीम 11 के प्रोडिक्शन के वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NW वर्सेस CC के T10 मैच के बारे में। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे दो काम कर दीजिए, एक तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, उससे आपको बेनिफिट ये होगा एंड मोमेंट्स अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। फाइनल टीम हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो गाइस उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। गाइस, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर हम बात करें NW वर्सेस CC की प्लेइंग 11 के बारे में, तो अगर प्लेइंग 11 ये रहने वाली है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हर ये प्लेइंग 11 रहेगी, सारे प्लेयर्स यही खेलने वाले हैं, कोई नो चेंज होगा। आपको पता है इन मैचेस में चेंज नहीं होते कोई भी, अगर कोई चेंज होता है तो हम आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। गाइस, अगर हम NW टीम के बारे में अगर देख लें, तो गाइस ये 3 मैच खेली है टीम और एक ही मैच जीती है अपना पहला मैच, बाकी 2 मैच हारी है। आपको पता है यहाँ पे सिर्फ वन मैन आर्मी की तरह आंड्रे फ्लेचर जो है वो परफॉर्म करते आ रहे हैं, बाकी और कोई प्लेयर इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर हम इनके ओपनिंग प्लेयर के बारे में बात कर लें, तो आंड्रे फ्लेचर एंड सिंडल रैगिस, ये दोनों अच्छे ओपनिंग प्लेयर हैं। सिंडल रैगिस ने फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है हमें इस सीज़न। अगर हम इनके बॉलिंग डिपार्टमेंट में देख लें, तो जॉर्ज थॉमस एंड डैरिल साइरस इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट हो गए। अगर हम बात कर लें CC की तरफ से अगर हम देखें, तो सेम वही NW वाला हाल है CC का भी। 3 मैचों में से एक मैच जीती है, 2 मैच हारी है, और जो एक मैच जीती है जो CC की टीम, वो बैटिंग सेकंड नंबर पर करते हुए जीती है। बाकी अगर जब उन्होंने फर्स्ट बैटिंग करी है, सो दोनों मैच अपने हारी है, क्योंकि आपको पता है इतना अच्छा रन नहीं स्कोर कर पाई थी CC की टीम। अगर हम बात करें इनके ओपनिंग पेयर के बैट्समैन की, तो डैडी बिशॉप एंड कीमो पीटर्स इनकी तरफ से ओपन करते हो आपको दिख जाएंगे। एंड अगर हम बात कर लें बॉलिंग की, तो डैना जॉर्ज एंड जेमी बडीन की मेन पेस बॉलर्स रहेंगे आज के मैच में। अगर हम हेडवर्ड की बात कर लें, तो NW 2 मैच जीती है और एक बार भी नहीं जीती। ग्लोब चैलेंजर्स चाहेंगे कि अपनी जो NW के खिलाफ लूजिंग स्ट्रीक है इनको तोड़ें एंड विनिंग ट्रैक पर वापस आएँ। अगर हम फैंटेसी टिप्स की बात कर लें, तो यहाँ से टॉप ऑर्डर बैट्समैन प्ले मेजर रोल इन दिस पिच। टॉप ऑर्डर बैट्समैन ज़रूर लेना अपनी टीम में, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म को करके दे सकते हैं। अगर हम की प्लेयर्स के बारे में बात करें, तो आर्ट फ्लेचर, रैगिस, एलेक्सिस, साइरस जैक्सन, ये हो गए NW की तरफ से। CC की तरफ से बात करें, तो बिशॉप, नेट, फॉसिक, चार्ल्स, बड़ी। बात कर लें अपने पिच रिपोर्ट जैसे मैं को बताता हूँ, बैटिंग ट्रैक के लिए अच्छा है, बैटिंग सरफेस पिच है, अच्छे रन बन सकते हैं इस पिच पे, तो ट्राई टू टेक मोर ऑलराउंडर्स एंड बैट्समैन इन योर टीम। तो गाइस, चलते हैं अपने ड्रीम 11 की साइड पर। सो गाइस, आ गए हम अपने ड्रीम 11 के एप्लीकेशन पे। यहाँ पे अगर हम विकेट कीपर सेक्शन के बारे में बात कर लें, तो विकेट कीपर सेक्शन में अपने 2 ऑप्शन है, तो चार्ल्स एंड बिशॉप। मैं यहाँ से बिशॉप के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है टॉप ऑर्डर में आते हैं, ओपनिंग बैट्समैन है, सो अच्छा परफॉर्म आपको इस मैच में करके दे सकते हैं। अगर हम बैट्समैन साइड पर देख लें, तो बैट्समैन में फोर्सिथ एंड बैट्समैन में सील रेगिस, बाकी इतने कोई सबसे ऑप्शन है नहीं है इस मैच में हमारे पास बैट्समैन में, क्योंकि आपको पता है कोई भी बैट्समैन इतना अच्छा परफॉर्म अभी तक नहीं करके दिया है। मैकडोनल्ड्स के साथ हम जा सकते हैं, थोड़े ठीक ठाक बैट्समैन है ये। अगर हम ऑलराउंडर सेक्शन में देख लें, तो ऑलराउंडर सेक्शन में फ्लेचर, एलेक्सिस, चार्ल्स एंड नेड, ये 4 ऑलराउंडर्स आपके लिए मेन रहने वाले हैं आज के मैच में। अगर हम ग्रैंड लीग की पिक के बारे में बात कर लें, ग्रैंड लीग में आप पीटर्स को ले सकते हैं। गाइस, ग्रैंड लीग की बहुत अच्छी पिक रहने वाले हैं आज की ग्रैंड लीग में। अगर हम आज की मेन ग्रैंड लीग पिक के बारे में बात कर लें, तो कीमो पीटर्स हैं, आप इनको अपनी टीम में ज़रूर लेके जाना एक ना एक टीम में ग्रैंड लीग की, और उनको कैप्टन बनाना, हो सकता है आज के मैच में चल जाए। बाकी स्मॉल लीग की हम बात करें, तो स्मॉल लीग में मैं इनको अभी नहीं ले रहा हूँ। अगर हम बात कर लें बॉलिंग डिपार्टमेंट की, बॉलिंग डिपार्टमेंट में जैक्सन, बडी एंड साइरस के साथ मैं जाना चाहूँगा। यहाँ पर साइरस की जगह आप यहाँ पर नोएल भी ले सकते हैं, बट मैं फ़िलहाल अभी साइरस के साथ जाऊँगा। अगर कोई चेंज होता है, फाइनल चेंज हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे हम आपको। अगर हम बात कर लें, अगर आप नेड नहीं लेना चाहते, अगर आप चाहते हैं जोसेफ कोई और प्लेयर लगा, आप नेड हटाकर यहाँ से जोसेफ भी ले सकते हैं, या फिर पीटर्स भी ले सकते हैं आप वहाँ से नेड हटाकर। जैसे कि आपको बताया था, पीटर्स आज हो सकता है चल भी जाए ना भी चलें, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पीटर्स को ग्रैंड लीग के लिए रखो, ग्रैंड लीग में इनको कैप्टन बना के लेके जाओ। आपको परफॉर्म करके दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई श्योर नहीं है इस चीज़ का। बाकी मैं फ़िलहाल स्मॉल लीग की टीम के हिसाब से मैं नेड को लेके जाऊँगा। बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। वाइस कैप्टन में बनाना चाहूँगा इस टाइम आंड्रे फ्लेचर को, एंड वाइस कैप्टन में पर हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, या तो हम नेड को बना सकते हैं, या फिर चार्ल्स को बना सकते हैं, या फिर बिशॉप को बना सकते हैं।
वो चीज़ आप पे डिपेंड करता है, किसी को भी बना सकते हैं। मैं यहाँ से नेट को बना के लेके जा रहा हूँ वॉइस कैप्टन अभी के हिसाब से। फाइनल टीम हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे। सो गाइस टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। आप यहाँ से मेरी फाइनल टीम देख ही सकते हैं। मैंने बैलेंस टीम बनाने की कोशिश की है, ऑलराउंडर्स भी हैं, बैट्समैन भी हैं, बॉलर्स भी हैं। गाइस होप सो आपको टीम अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।